गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेर एवर यू आर। आप सबका दिन अच्छा ही चल रहा होगा और अच्छी शुरुआत होगी। शेयर मार्केट काफी डाउन है और ये प्रिडिक्शन हमेशा लगाई जा रही है कि काफी और गिरेगा, बट ठीक है। मेरा कहना ये है कि जब भी शेयर मार्केट रहे, कुछ भी रहे, आप अपना जो स्ट्रेटेजी बना के रखें आप उसी पे काम करते रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, बट हाँ, अगर आपको लगता है तो आप कुछ दिनों के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ कुछ ना कुछ शेयर, 5 शेयर ऐड करते जाता हूँ धीरे धीरे रोज ही, तो वैसे ऐड किए हैं। तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम इस पे चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि पैसा आपका है, ये पूरा वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से और जनरल इन्फॉर्मेशन पर्पज से बनाया गया है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं कैसे इसमें बाय करता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, और सेम चीज मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं 5 स्टॉक ले रहा हूँ तो 5 स्टॉक ही लेता हूँ, और कुछ स्टॉक अगर बीच में लेता भी हूँ दिन में तो वो वही स्टॉक लेता हूँ जो ऑलरेडी मैं आपको पहले रिकमेंड किया होता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई नया स्टॉक ले लूँ आपको ऐड कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपकी पैसा है, आपकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन आप पैसा डालने से पहले अपना खुद का रिस्क आप खुद देख लेंगे कि आप कितना बेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आज पांच स्टॉक को देखते हैं। आज के मेरे 5 स्टॉक हैं अशोका लेलैंड, कोल इंडिया, मेट्रोपोलिस, रिलायंस, टाटा पावर। एक्चुअली इनकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदी थी बट मार्केट डाउन है तो डेफिनेटली मेरे पास कैश अमाउंट नहीं है क्योंकि जीटीटी हुआ नहीं, और कुछ का जीटीटी हुआ है तो ठीक है, उनका हो गया तो उससे बाय कर लिया मैंने। बट आज के टाइम पे ये 5 मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस हैं जो आप ले सकते हैं विद इन 300 डेज में, कोई 20% तक का प्रॉफिट आपको बना सकते हैं। और इसके साथ ही हमने एक प्रोफेशनल सर्विसेज भी शुरू की है, अगर आप वो सर्विस लेना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन अस। मेल आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें मेल डाल सकते हो, हम लोग उस पर बात कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपको आज मैं हम चलो देखते हैं मेट्रोपोलिस को, बहुत दिनों से नहीं देखा है मेट्रोपोलिस को, आपको देखते हैं कि इसके कैसा क्या परफॉर्मेंस है, क्यों मेट्रोपोलिस काफ़ी आ रहा है। तो आज मेट्रोपोलिस में चलते हैं और इसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं कि ये क्या बोलते हैं इनके फंडामेंटल्स। तो आप ये देख सकते हैं, और आप लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इसमें डाल सकते हैं। स्मॉल केस में भी है, न्यूज है, क्या है, बाय मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर टारगेट प्राइस 2187 ऐसी सिक्योरिटीज इसको रिकमेंड कर रहा है 24 आवर्स से पहले। तो आज मैंने बाय भी कर लिया है बट मैं इनकी बाय के हिसाब से नहीं चलता हूँ, मेरे कई चीजें अपनी रहती हैं जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ, आप वो सब चीजें भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें जाते हैं मेट्रोपोलिस में। आज ये डाउन है 0.06, इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और इसका डिविडेंड रिटर्न भी उतना अच्छा नहीं, बट एंट्री पॉइंट नो रेड फ्लैग, आरओआई वर्सेस एफडी रेट्स बेटर है, ठीक है। और हम फोरकास्ट में बाद में आएंगे, पहले फाइनेंशियल में आपको देखने को हमेशा बोलता हूँ कि फाइनेंशियल आप क्या है। द इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट्स अ कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्ड ओवर रिपोर्टिंग पीरियड, परफॉर्मेंस इज असेस्ड बाय सम। आप केवल यहाँ के ही इस पे मत जाइए कि यहाँ पे क्या रिपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें कैसे दिखा रहा है। मैं ये भी बोलूंगा कि आप 3-4 और भी एप्लीकेशन, टाइम्स का है, HDFC का है, मनी कंट्रोल है और गूगल है, तो आप उसमें भी जाइए और उसमें भी सब चीजों को कई बार देखिए, कोई भी अगर आपको शेयर लेना है। तो ऐसा नहीं होता कि एक ने बताया और एक तुरंत ही आपने डिसाइड कर लिया, काफी कुछ चार्ट और इनके उस पर भी होता है, डिपेंड करता है, बट वो आपके ऊपर है। मैं इंट्राडे करता नहीं तो मैं उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करता भी नहीं कि चार्ट देखूं, और वो मेरी स्ट्रेटेजी है, कभी कभी रहता है। तो अब इसके पीर्स में जाएंगे, मेट्रोपोलिस के पीर्स में कौन है इनके अगेंस्ट में, आप खुद देख सकते हैं कि सभी हॉस्पिटल्स को आप जानते हैं, सभी को, फोर्टिस को आप जानते हैं, मैक्स हेल्थ केयर को जानते हैं, अपोलो को जानते हैं, और इसमें डिविडेंड सबसे ज्यादा मेट्रोपोलिस ही दे रहा है इन कंपेरिजन टू अदर्स। तो ये अच्छी एक बात है जिसमें आप रख सकते हैं। अब होल्डिंग्स में देखते हैं कि इनकी होल्डिंग्स का कैसा पैटर्न है। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करता हूँ, किस चीजों पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, 5 शेयर लेके आप उनको बाई कर सकते हो, बाकी आप वीडियो कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल प्रमोटर की स्टैकिंग करीबन सेम ही है, अप्रोक्सीमेटली थोड़ी सी घटाई है बट ठीक है, पिछले साल के कंपेरिजन में ना थोड़ी सी बढ़ाई भी है। और अगर आप साथ में ही अगर मैं म्यूचुअल फंड जाता हूँ तो म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड अभी इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छा करीबन 5% के करीब इन्होंने इंक्रीज किया है अपनी फंडिंग, ये एक पॉजिटिव साइन है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डोमेस्टिक में इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो उन्होंने भी बढ़ाया हुआ है,
फॉरेन इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो उन्होंने घटाया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इस पे पैसा घटाया है। अब इसका रीजन अभी तो मुझे नहीं पता है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन इन्होंने घटाया है। रिटेल्स में, रिटेल्स का तो बढ़ा है और डेफिनेटली रिटेल्स में बढ़ा है क्योंकि अच्छा रिटर्न भी दे रहा है ये। और हम इसको अगर रिटर्न की बात करते हैं तो हम हमेशा वन डे का देखते हैं, वन डे में ये कम है, वन वीक का परफॉर्मेंस 9% कम है, वन मंथ का हमारे लिए बाइंग ऑप्शन है क्योंकि स्टॉक अच्छा है, 30% एक महीने में ही रिटर्न दे सकता है हमें। अगर आपने इसको नहीं लिया है तो प्लीज ऐड कर लीजिए, एक साल में 48%, 5 साल का रिटर्न 47%। उतना अच्छा इसका अगर देखेंगे रिटर्न तो पूरा ओवरऑल इतना अच्छा नहीं है, बट अगर इसका ग्राफ देखोगे, देखो ग्राफ कैसा है, यहाँ गया ऊपर फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे भी जब भी ये ऊपर जा रहा है तो ऐसा नहीं कि पैटर्न चल रहा है, ये हमेशा ऊपर जाता है एक दो दिन में, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और यही चीज ये करता रहता है पूरा हमेशा। आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट 3470 तक गया था, जो कि आज ये 50% है, यानी अगर मैं 29 दिसंबर 2021 को किसी ने लिया था तो आज उसकी वैल्यू 50% डाउन है। लेकिन अगर उस बंदे ने वापस यहाँ पे एवरेज आउट किया होगा तो वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ होगा इसके पास, फिर वो यहाँ पे आके बेच दिया होगा, या फिर उसने अभी अप डाउन इतना है कि वो ले सकता है, बट ये पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न अभी उठने वाला है, इसलिए आप इसको बाई कर सकते हो। हमारा रिकमेंडेशन यही कि बाई कर लो। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 54% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं बाई करो, जिसमें से 13 लोग, तो 14 मुझे भी आप कंसिडर कर सकते हो और इसको आप बाई कर सकते हो। सो बस इतना ही कहना था दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मेरे 5 shares हैं जो आप बाई कर सकते हो, ये 5 shares आप ले लो, अशोका लेलैंड, कोल इंडिया, मेट्रोपोलिस, रिलायंस स्टार्टअप। और रिलायंस की बात तो मैंने कल ही की थी कि रिलायंस मैं जल्दी ही बाई करूंगा, बट ये एक बाई किया है, बट मैं आज अभी बाई किया क्योंकि अभी नॉर्मल चल रहा है, अगर घटेगा तो मैं उसमें और ऐड करूंगा। इसका अगर टेक्निक फंडामेंटल एनालिसिस में जाते हो, देखते हैं दूसरे क्या कह रहे हैं, आपको बस दिखाने के लिए कह रहा हूँ और कुछ नहीं। 71% लोग बाई करने की बात कर रहे हैं, और अगर आप इसका वन वीक का देखोगे रिटर्न -7%, 10% प्रीमियम पे आपको मिल रहा है, ले लो। और ये 1 year रिटर्न 15% है, 5 years रिटर्न 266, तो नॉट बैड, कोई बुरा नहीं है ना, कोई स्टॉक इतना बुरा नहीं। और ये देख लो जिन्होंने लिया उनकी लाइफ ही चेंज हो गई है, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, डिविडेंड भी इनका अच्छा देते हैं ये, तो कोई दिक्कत नहीं आता रहता है, स्प्लिट नहीं कर रहे काफ़ी दिनों से, अभी तो कुछ इन्होंने किया नहीं है, इसको स्प्लिट नहीं किया है या बोनस जैसा कुछ नहीं दिया है, बट आई एम होपिंग कि कुछ ना कुछ ऐसा भी रिलायंस करेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से शांत बैठी हुई, रिलायंस ऐसी कंपनी की जो शांत कभी नहीं रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती। बट अगर आप पिछले आफ्टर जियो लॉन्च के बाद से देखोगे तो जियो के बाद से ये काफ़ी शांत बैठे हुए, कहीं कुछ नया नहीं आ रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, क्या करने वाले हैं ये, कहीं भी ज़्यादा डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या चल रहा है, वो तो आपको उनके, अगर आप उनका न्यूज़लेटर और उनको फॉलो करोगे तो आपको पता ही चलेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मीडिया में हवा बन जाना, जियो लॉन्च करने से पहले रिलायंस, वैसा नहीं है आज के टाइम पे, सभी न्यूज़ मीडिया मोस्टली अदानी को कवर कर रही है, बट रिलायंस एकदम शांति से बैठा हुआ है। तो आई एम होपिंग कि अच्छा बम फटेगा, तो लेट्स सी। बाकी आपके आप चैनल को प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक भी दी हुई है, अगर आप चाहो तो वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं शेयर मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन फाइनेंशियल, ऑनलाइन अर्निंग्स के डिफरेंट डिफरेंट क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, उस पर वीडियो आते रहते हैं, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो, हर हर महादेव।